नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे मनी विड्रो करना और डिपॉजिट करना। दोस्तों, आप अपने खाते में पैसा कैसे डिपॉजिट कर सकते हो एटीएम मशीन से और पैसा कैसे निकाल सकते हो, पूरी प्रोसीड आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूं दोस्तों। तो पैसा निकालने के लिए तो दोस्तों आप किसी भी बैंक का एटीएम मशीन यूज कर सकते हो, किसी बैंक का एटीएम मशीन से आप पैसा निकाल सकते हो। पर पैसा डिपॉजिट करने के लिए आपको अपने अकाउंट में पैसा डालने के लिए जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है, जिस भी बैंक का आपको आपके पास एटीएम में एटीएम कार्ड है, आपको उसी बैंक का एटीएम मशीन में जाकर आपको पैसा डिपॉजिट करना होता है दोस्तों। तो आज मैं अलराजी बैंक में का एटीएम मशीन से कैसे पैसा विड्रॉ किया जाता है और कैसे डिपॉजिट किया जाता है पूरी प्रोसीड इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो बने रहेगा वीडियो का इन तक, और इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करने साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नए नए वीडियो का इन्फॉर्मेशन आप लोग को मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पैसा डिपॉजिट करने के लिए जिस भी बैंक का अकाउंट आपके पास है, जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है, उसी बैंक के एटीएम मशीन में चले जाना है और अपने कार्ड को इन कर देना है। जैसे आप इन करोगे तो स्क्रीन पर आपको बहुत सारा भाषा आपको सिलेक्ट करने का बोला जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ एक भाषा अभी आ रहा है, इंग्लिश, तो उसी के साइड वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे दोस्तों, तो आपसे आपका कार्ड का पिन नंबर पूछा जाएगा, तो आपको अपने कार्ड का जो भी पिन नंबर है सही सही यहाँ पर डायल कर देना है। जैसे आप डायल करोगे दोस्तों, तो इस स्क्रीन पर इस तरीके से मेनू दिखाई देगा। तो यहाँ पर देखिए बहुत से कैश विड्रो, बैलेंस इंक्वायरी, कैश डिपॉजिट। तो आपको अगर आपको पैसा बैलेंस चेक करना है दोस्तों, तो देखिए राइट साइड में सेकेंड नंबर में बैलेंस इंक्वायरी, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो देखिए आपका जितना भी बैलेंस होगा यहाँ पर दिखाई देगा, तो आपको यस कर देना है। नो करोगे तो आपका कार्ड निकल जाएगा, यस करोगे तो आप फिर से मेन मेन्यू में चले जाओगे दोस्तों। तो आप पैसा डिपॉजिट करने के लिए देखिए राइट साइड में सबसे नीचे में देखिए कैश डिपॉजिट लिखा है दोस्तों। तो आपको इस कैश डिपॉजिट के साइड वाले बटन को आपको ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप उसके क्लिक करोगे दोस्तों, तो नीचे जो बॉक्स है पैसा डिपॉजिट करने का, वो बॉक्स आपके पास खुल जाएगा दोस्तों। तो आपको जितना भी पैसा डिपॉजिट करना है अपने अकाउंट में, जितना भी पैसा डालना है, वो पैसा आपको अच्छा से सीधा कर लेना है पहले पैसा के दोस्तों। और सीधा करने के बाद में आपको उस बॉक्स के अंदर में पैसा इस तरीके से डाल देना है। जैसे आप डाल के हाथ निकालोगे तो बॉक्स ऑटोमेटिक से बंद हो जाएगा दोस्तों। फिर स्क्रीन पर थोड़ी देर प्रोसेस होगा और जितना भी पैसा आपने डाले हैं वो पैसा यहाँ पर आपको दिखाई देगा स्क्रीन पर दोस्तों। तो इस तरीके से दिखाई देगा, तो आपको यहाँ पर डिपॉजिट, देखिए डिपॉजिट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप डिपॉजिट के ऊपर क्लिक करोगे तो आपका पैसा आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगा दोस्तों। पर कभी कभी क्या होता है कि कुछ पैसा डिपॉजिट हो जाता है, कुछ नहीं होता है दोस्तों, तो ऑटोमेटिक से वो बॉक्स खुल जाता है। तो जो पैसा आपको निकल जाएगा नहीं जाएगा उसको आपको निकाल देना है, और ऐसे जो चला गया इसको डिपॉजिट कर देना। और जैसे आपको शुरू में इस तरीके से फिर देखिए यहाँ पर यस नो आया तो आपको यस कर देना है। यस करोगे तो आपका पैसा आप फिर से मेन मेन्यू में चले जाओगे, और नो करोगे तो आपका एटीएम कार्ड निकल जाएगा दोस्तों। तो इस तरीके से आप पैसा डिपॉजिट कर सकते हो बहुत ही आसानी के तरीके से दोस्तों, डरने का कोई भी बात नहीं है। अब पैसा विड्रॉ करने के लिए दोस्तों आप फिर से आपका एटीएम कार्ड को आपको मशीन में इन कर देना है, और आपका लगेज जो भी लगेज आपको मालूम है सिलेक्ट कर लेना है। फिर से अपना पिन नंबर यहाँ पर डायल कर देना है। जैसे आप पिन नंबर डायल करोगे तो यहाँ से लगेज दिखाई देगा मेनू। तो अगर फिर से आप बैलेंस इंक्वायरी बैलेंस चेक करना चाहते हो दोस्तों, तो बैलेंस इंक्वायरी के ऊपर साइड वाले बटन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे तो आपको बैलेंस दिखाया जाएगा, आपको जितना भी बैलेंस होगा फिर यस कर देना है। जैसे यस करोगे दोस्तों, तो आप फिर से मेन मेन्यू में चले आओगे, तो देखिए राइट साइड में सबसे ऊपर में कैश विड्रॉ आपको उसके साइड वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखिए बहुत सा इधर में दिखाएगा दोस्तों, यहाँ पर 50 रियाल, 100 रियाल, 200, 300, 500 और अदर अमाउंट। आपको इसमें से कोई पैसा निकालना चाहते हो तो उसके आगे उसके ऊपर क्लिक कर सकते हो, और आपको उसमें दूसरा कुछ पैसा निकालना चाहते हो तो अनदर अमाउंट के ऊपर साइड वाले बटन के ऊपर आपको क्लिक करना है। और जितना भी पैसा आप निकालना चाहते हो, विड्रॉ करना चाहते हो, तो उतना पैसा आपको नीचे टाइप करके कन्फर्म के ऊपर आपको क्लिक कर देना है, कंटिन्यू
के ऊपर, जैसे आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे दोस्तों, कुछ देर प्रोसीड होगा दोस्तों। प्रोसीड होने के बाद में आपका कार्ड पहले निकलेगा, देखिए तो आपको कार्ड निकाल लेना है, बाद में आपका पैसा नीचे निकलेगा, आपको पैसा ले लेना है दोस्तों। तो इस तरीके से आप पैसा डिपॉजिट और विड्रो कर सकते हैं दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोग समझ चुके होंगे कैसे पैसा विड्रो किया जाता है और अपने अकाउंट में कैसे पैसा डिपॉजिट किया जाता है। तो इस तरीके से आप भी पैसा डिपॉजिट और विड्रो कर सकते हैं दोस्तों। तो उम्मीद है कि आप लोग को इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा दोस्तों। अगर मन में कुछ कोई सवाल हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।